आज बात करेंगे लकी नंबर की। आप अपना लकी नंबर कैसे निकाल सकते हैं, जो आपका जीवन का लकी नंबर है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो एक लकी नंबर है जिसके बारे में हर एक कोई जानना चाहता है कि मेरा लकी नंबर क्या है और उसके लिए क्या लकी रहेगा। तो लकी नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें अपनी जन्म तिथि पता है तो हम उससे लकी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी जन्म तिथि ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 29 मार्च और 1986, ये हम जन्म तिथि ले लेते हैं। अब इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लकी नंबर क्या है। तो 29 ये नंबर में है, 29 मार्च को हम लिख सकते हैं 03 और ये भी नंबर में है 1986। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग से जोड़ना है। जैसे 29, तो 29 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9, और ये क्या है, 0 प्लस 3, और ये क्या है, 1 प्लस 9 प्लus 8 प्लस 6। हम सभी नंबर को अलग अलग से जोड़ देंगे। तो इससे जोड़कर क्या आया, 9 और 2 11, इससे जोड़कर क्या आया, 3, और इसको जोड़ के क्या आया, 9 1 10 18 और 6 24, इसे जोड़कर आया हमारे पास 24। अब जो दो दो नंबर आए हैं हमारे पास, इनको हम दोबारा से जोड़ देंगे, 1 प्लस 1, यहां पे 3 है अकेला है, 2 प्लस 4, तो अब ये दोनों नंबर को जोड़ के क्या आया, 2, ये 3 है और ये है 2 प्लस 4 6। अब फिर से हमारे पास सिर्फ एक एक नंबर बचा है, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3, 3 2 5, 5 और 6 11, तो हमारे पास एक नंबर आया 11। ये भी दो नंबर हैं, तो हमें क्या लेना है, 0 से 9 के बीच का एक नंबर लेना है। तो वैसे तो ये 11 भी लकी नंबर होता है, एक तरह का मास्टर नंबर होता है, लेकिन जब हम इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 1 तो क्या आ गया, 2। ये जो 2 आएगा ये हमारा होता है लाइफ पाथ नंबर, जिसको हम लकी नंबर भी बोलते हैं, जो हमारे लिए लकी रहेगा जब हम इस नंबर को कहीं पे यूज करते हैं। तो ये हमारा एक लाइफ नंबर हो जाता है, जो कि हमने निकाला है अपनी डेट ऑफ बर्थ से। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।